नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्टेंट जानकारी में। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टाफ नर्स CHO की ANM की रिक्रूटमेंट के बारे में, अदर रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट पाना चाहते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हो आगे बढ़ लेते हैं। आगे हैं ऑफिशियल वेबसाइट NHM हरियाणा.gov.in। जैसे कि आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी करनाल की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वेरियस पोस्ट जिसमें स्टाफ नर्स की ANM की वैकेंसी से और अदर वैकेंसीज के नोटिफिकेशन था, तो दोस्तों वहाँ का पहले एलिजिबल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की जारी कर दी गई थी, जो इनका रिटर्न टेस्ट के लिए अब क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले लिस्ट में, आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 8 सितंबर 2021 का, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी करनाल की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दिया, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी इंटरव्यू होगा उनका, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं आपके बार आपको दिखा देता हूँ जो वैकेंसीज थी। यहाँ पे आप देखोगे स्टाफ नर्स की वैकेंसीज थी, ठीक है, सील नंबर 4, सील नंबर 13, और जो आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज थी उनकी क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिनका डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इंटरव्यू रहेगा 13 सितंबर को रहेगा। जो उनको जो वेन्यू रहेगा इंटरव्यू का या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, सिविल सर्जन करनाल रेड क्रॉस सोसाइटी बिल्डिंग माल रोड करनाल रहेगा। 9 बजे उनको पहुँचना, 9 AM to 9:30 AM, ठीक है। दो अगर पोस्टों की बात कर लेते हैं, जो ANM की वैकेंसीज थी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ANM, ठीक है, अंडर मैटरनल हेल्थ, यहाँ पे सील नंबर 5, सील नंबर 6 ANM और बायोमेडिकल इंजीनियर, साथ में आर्डियोलॉजिस्ट और ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर और डिस्ट्रिक्ट एडोलसेंट हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसीज थी उनकी क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई। अब इनका जो डेट ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 13 सितंबर को होगा, वो सिविल सर्जन करनाल रेड क्रॉस बिल्डिंग माल रोड करनाल में होगा, टाइम सेम रहेगा। तो दोस्तों आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है अच्छी तरह से। यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर द एडवाइस शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट, बेसिक क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, जिसके बेसिस पे आपने अप्लाई किया है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन सिविल सर्जन करनाल रेड क्रॉस बिल्डिंग माल रोड करनाल में। जो भी डेट दी गई है उनके हिसाब से मैंने आपको डेट बता चुका हूँ, ठीक है। और जैसा भी आप एक बार ये, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ अपडेट। यहाँ पे आप देख पाओगे लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडोलसेंट हेल्थ ऑफिसर की है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ आर्डियोलॉजिस्ट की जारी कर दी गई है, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द आयुष मेडिकल ऑफिसर की। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख पाओगे लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द ANM, ठीक है। आप यहाँ पे जो कैंडिडेट्स के नाम दिए आप चेक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।